Hello friends, welcome to Speedy Classes. The way start from here. आज हम सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी का पार्ट टू. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हेलो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? चार ऑप्शन है, मंगल, शनि, शुक्र और पृथ्वी. हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम घनत्व का ग्रह कौन सा है. ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी शुक्र और ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी. हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी शनि. शनि का घनत्व हमारे सौरमंडल में अन्य सभी सात ग्रहों से कम होता है. यह सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है. दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह है. हमने अभी पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया सबसे कम घनत्व वाला ग्रह. दूसरा क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह. चार ऑप्शन, बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण, वरुण. चार में से कौन सा ऑप्शन होगा सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह? चलिए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं. वरुण सूर्य से सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह है. मंगल पृथ्वी के समान ग्रह है. शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है. और बृहस्पति सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह है. हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति. क्वेश्चन नंबर तीन, सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है. चार ऑप्शन हैं, बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो. तापांतर का अर्थ है कि दिन और रात के तापमान में अंतर. हमें बताना है कि किस ग्रह में दिन और रात के तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाता है. चार ऑप्शन, शुक्र, बुध, मंगल, प्लूटो. हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुध. ऐसा क्यों होता है कि बुध में सबसे ज़्यादा तापांतर होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बुध में वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिसके कारण वहाँ दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं, और दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है. हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह है. थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह कौन सा है. चार ऑप्शन, बुध, मंगल, शुक्र और अरुण. हम जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए कि कौन सा नहीं होगा. अगर हम ऐसा करने में सक्सेस होते हैं, तीन ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो डेफिनेटली हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा. और ये ट्रिक हमेशा काम करती है, चाहे क्वेश्चन सरल हो या कठिन. तो चलिए वही करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे. पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह तो बुध सौरमंडल में पहले नंबर का ग्रह है. सूर्य से सबसे पास का ग्रह, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. इसके बाद शुक्र दूसरे नंबर का ग्रह है, जिसके बाद पृथ्वी. लेकिन मंगल भी पृथ्वी के बाद आता है, तो हमारा ऑप्शन मंगल या शुक्र में से कोई एक होगा. तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है.
पांच सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, शनि और अरुण। चार ऑप्शन हैं, हम यहाँ भी एलिमिनेशन करेंगे। पहले ऑप्शन नंबर बी मंगल। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसके बाद अरुण, जिसके उपग्रह अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और सिग्मा हैं। शनि और बृहस्पति, हमारे पास दो पॉसिबल ऑप्शन हैं, जिसमें से बृहस्पति हमारा आंसर होगा। बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है और दूसरे नंबर पर शनि है, इसलिए हमारा आंसर होगा बृहस्पति, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसमें भी चार ऑप्शन हैं कि पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन किस ग्रह में होगा? बुध, मंगल, शनि और शुक्र। अभी हमने बताया कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो बुध में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, इसलिए वह एलिमिनेट हो जाएगा। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का, इसलिए वह भी एलिमिनेट हो जाएगा। मंगल और शनि, तो शनि सूर्य से काफ़ी दूर है, इसलिए वहाँ का तापमान ठंडा होता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। वैज्ञानिक मंगल में जीवन की संभावना की भी खोज कर रहे हैं। यह लगभग पृथ्वी के समान ही है, जहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जितना झुकी है उतना ही मंगल भी झुका हुआ है, इसलिए यहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है? चार ऑप्शन हैं, मिक्स ओलंपिया, माउंट एवरेस्ट, निक्स ओलंपिया, सेडान। तो हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद मिक्स ओलंपिया और सेडान, ये दोनों पर्वत के नाम नहीं हैं। हमारा आंसर होगा निक्स ओलंपिया, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, शनि में वलयों की संख्या है। हम जानते हैं कि शनि हमारे सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ये वलय रिंग के आकार के होते हैं। यह वलय धूल और गैसों से मिलकर बने होते हैं। शनि के चारों ओर कितने वलय पाए जाते हैं? चार ऑप्शन हैं, पाँच, छः, सात और नौ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सात। शनि के चारों ओर सात वलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? चार ऑप्शन हैं, अरुण, वरुण, मंगल, प्लूटो। हम देखेंगे कि प्लूटो ऑप्शन नंबर चार जो है, प्राग सम्मेलन 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, इसलिए हमारा यह ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मंगल पृथ्वी के समान ही अक्ष पर झुका हुआ है, इसलिए यह ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। वरुण, वरुण को हम हरे रंग का ग्रह कहते हैं, अगले क्वेश्चन में है। और अरुण जो अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, जिसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरे रंग का ग्रह कहा जाता है? चार ऑप्शन, वरुण,
अरुण, शनि, मंगल। हरे रंग का ग्रह। हम अपने ऑप्शन को फिर से एलिमिनेट करेंगे। मंगल, इसे लाल रंग का ग्रह कहा जाता है। शनि, इसे वलयों का ग्रह कहा जाता है, जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अरुण, हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वरुण, वरुण को हम हरे रंग का ग्रह कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वरुण में मीथेन की अधिकता है और मीथेन रंग गैस हरे रंग की होती है, जिसके कारण वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वरुण। अगला क्वेश्चन है, वरुण नेपच्यून की खोज किसने की थी? वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन हैं, विलियम हर्सल, जॉन गाले, आइंस्टीन, न्यूटन। हम एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। डी नंबर, न्यूटन। न्यूटन वैज्ञानिक थे जिन्होंने गति का नियम दिया था। गति के तीन नियम सर आइजक न्यूटन ने दिए थे, इसलिए वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा का नियम दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर। इन्होंने वरुण की खोज नहीं की। ऑप्शन नंबर ए, विलियम हर्सल। विलियम हर्सल ने अरुण की खोज की थी, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, जॉन गाले बचा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गाले, इन्होंने वरुण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, चार ऑप्शन हैं, 12,714 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, 13,689 किलोमीटर, 12,777 किलोमीटर। चारों ऑप्शन हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का व्यास दो तरीके से मापा जाता है, विषुवतीय और ध्रुवीय। विषुवतीय अर्थात विषुवत रेखा से, और ध्रुवीय अर्थात उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से। दोनों व्यास अलग अलग होते हैं। हमने पूछा है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो हम देखेंगे ऊपर के दो ऑप्शन, 12,714 और 12,756। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है, 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है, और 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, चार ऑप्शन, परिक्रमण के कारण, वार्षिक गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, कोई नहीं। हम एक एक करके ऑप्शन को डिस्क्राइब करेंगे। पहला है परिक्रमण। परिक्रमण वो होता है जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, उस गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है वार्षिक गति, परिक्रमण गति ही वार्षिक गति कहलाती है। तीसरा है घूर्णन गति। घूर्णन गति वह होती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ ही अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। इसी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे होता है वहाँ रात होती है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन गति। क्वेश्चन नंबर 14, प्लूटो की खोज की थी।
हमने इसके पहले दो ग्रहों के खोजकर्ताओं के नाम पढ़े, तीसरा प्लूटो की खोज। प्लूटो को अब बौने ग्रहों में गिना जाता है। प्राग सम्मेलन में इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लूटो ग्रहों में अपवाद था, इसलिए यह क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। हमारा ऑप्शन है विलियम हर्सल, क्लार्क टाम्बो, जॉन गाले, पाल रोमर। हम चारों ऑप्शन को एक एक करके एलिमिनेट करेंगे। पहला है डी नंबर, पाल रोमर। पाल रोमर, इन्होंने प्रकाश की गति की खोज की थी, इसलिए ये एलिमिनेट होंगे। जॉन गाले, जॉन गाले ने वरुण की खोज की थी, इसलिए ये एलिमिनेट होंगे। विलियम हर्सल, इन्होंने अरुण की खोज की थी, इन्हें भी एलिमिनेट कर देंगे। हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी, क्लार्क टाम्बो। यही हमारा आंसर होगा। क्लार्क टाम्बो ने प्लूटो की खोज की थी। प्लूटो को यम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उपसौर की अवस्था कब होती है। उपसौर की अवस्था क्या होती है? चार ऑप्शन हैं, 4 जुलाई, 5 सितंबर, 1 जनवरी, 3 जनवरी। अब उपसौर होता क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्तीय अर्थात जो दीर्घवृत्त अंडाकार परिक्रमा करती है, जिसमें एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी सूर्य के पास में रहती है और एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूरी पर होती है। तो उपसौर वह अवस्था होती है जब पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर होती है। तो यह अवस्था कब आती है? यह अवस्था आती है 3 जनवरी को, पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर होती है, जिसे हम उपसौर कहते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और एप्साइड रेखा। चारों ऑप्शन हम देखेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और एप्साइड रेखा। क्वेश्चन है हमारा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है? अब 0 डिग्री पूछा है, 0 डिग्री संख्या रेखा पर 0 हमेशा बीच में होता है, जिसके बाएं या दाएं जाने पर संख्याओं में परिवर्तन होता है। इसी तरह हमारा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगा वह एकदम मध्य में होगा पृथ्वी के। अब मध्य में होगा तो उसका नाम भी मध्य जैसा होगा। वह रेखा है भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? चार रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, एक्साइड रेखा। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? चारों ऑप्शन हम देखेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा और एक्साइड रेखा। हमारा आंसर है कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। 23 सही, 1/2। उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा होती है, यह भारत से होकर गुजरती है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन हैं, अक्षांश, देशांतर, कर्क, मकर। चार ऑप्शन हम देखेंगे, कर्क और मकर रेखा,
ये दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं, ये पूर्व से पश्चिम होती हैं। पहला ऑप्शन अक्षांश जो पूर्व से पश्चिम रेखा होती है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, चार ऑप्शन हैं 22 दिसंबर, 21 जून, 16 दिसंबर और 21 दिसंबर। हमें बताना है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। चारों ऑप्शन हम चेक करेंगे, 22 दिसंबर, 21 जून, 16 दिसंबर और 21 दिसंबर। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 21 जून। अगला क्वेश्चन, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है, 23, 56, 24, 32। चारों ऑप्शन हम चेक करेंगे, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है, 23, 56, 24, 32। समय जोन क्या होता है, हम जानते हैं अभी हमने डिस्कस किया कि पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन और जो हिस्सा पीछे होता है वहाँ रात होती है, अर्थात पृथ्वी पर एक ही समय में दिन और रात दोनों होते हैं। तो इस अंतर को मापने के लिए हर महाद्वीप या हर देश में अलग-अलग समय जोन की व्यवस्था की गई है, तो विश्व में कुल कितने समय जोन हैं ये हमें बताना है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। सर्वाधिक समय जोन रसिया में है, 11 समय जोन है रूस में तथा यूएसए में 7 समय जोन, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन बनाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक समय जोन कितने डिग्री के बराबर होता है, एक समय जोन कितने डिग्री के बराबर होता है। अगर हम समय जोन को कोण में मापें तो एक समय जोन कितने डिग्री का होगा, हमें बताना है, 15, 17, 20, 45। हमारे चारों ऑप्शन हम चेक करेंगे, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15। एक समय जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी की गहराई होती है, भूपर्पटी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे ऊपरी भाग होती है। हमें बताना है कि इस भूपर्पटी की गहराई कितनी होती है। चार ऑप्शन हैं, 56 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 37 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। हमें चारों ऑप्शन चेक करने हैं और आंसर देना है। हमारा आंसर होगा 34 किलोमीटर, भूपर्पटी की गहराई होती है 34 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मेंटल की गहराई कितनी होती है, मेंटल पृथ्वी के आंतरिक संरचना का दूसरा भाग होता है। हमें बताना है कि मेंटल की गहराई कितनी होती है। चार ऑप्शन हैं, 3500 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 3400 किलोमीटर। चारों ऑप्शन हम चेक करेंगे, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
2900 किलोमीटर, मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? हमें पृथ्वी का औसत घनत्व बताना है। चार ऑप्शन है, 6 सेंटीमीटर पर क्यूब, 5.6 सेंटीमीटर पर क्यूब, 6.6 सेंटीमीटर पर क्यूब, 5.5 सेंटीमीटर पर क्यूब। चार ऑप्शन हमें चेक करने हैं और आंसर बताना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। हमें बताना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। हमारा आंसर है 5.5 सेंटीमीटर पर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी, 5.5 सेंटीमीटर पर क्यूब। 25वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी बनी हुई है। हमें बताना है कि पृथ्वी की जो ऊपरी संरचना है भूपर्पटी, यह किससे बनी हुई है। चार ऑप्शन है, अग्नि चट्टान या आग्नेय चट्टान भी कहते हैं इन्हें, बेसाल्ट चट्टान, अवसादी चट्टान, इनमें से कोई नहीं। हमें चार में से एक ऑप्शन चूज करने हैं। हमने बताना है कि पृथ्वी की भूपर्पटी बनी हुई है अग्नि चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, अवसादी चट्टान, इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन है बी, बेसाल्ट चट्टान। यह पृथ्वी की ऊपरी भाग में पाई जाती है, यही हमारा आंसर होगा, बेसाल्ट चट्टान। यह पृथ्वी की भूपर्पटी में पाई जाती है तथा पृथ्वी की भूपर्पटी इसे ही बनी हुई है। आज हमने कुल 25 क्वेश्चन किए हैं पार्ट टू में। इसके बाद अगले भाग में हम और भी ज़्यादा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरी पढ़ेंगे। इसके बाद भारत का भूगोल हम अपने भूगोल के वीडियोस में पूरा भूगोल विश्व का, भारत का कवर करेंगे। देखते रहिए। इसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।